ओके स्टूडेंट, तो फाइनली अब हम स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट बैरिंग के अंदर अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आए, जो कि AKTU 2012-13 में यूनिवर्सिटी में आया हुआ न्यूमेरिकल है। और काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करा दीजिए, यहाँ इसमें डाउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको मेरे को स्क्रीन शॉट लेके सेंड करना है और आपको गूगल शीट पे अपलोड करना है। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द फुल हाइड्रोडायनेमिक बैरिंग। फुल हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड द रेडियल लोड 22 किलो न्यूटन डेट इज डब्ल्यू, जनरल स्पीड एन 960 आरपीएम, यूनिट बैरिंग प्रेशर पी मैक्सिमम 2.4 मेगापास्कल, विस्कोसिटी 20 सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस को हम 10^-3 से मल्टीप्लाई करने के बाद केजी पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर मतलब LD 1 दिया हुआ है एंड मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस दैट इज एच नॉट टू द क्लियरेंस एच नॉट बाई सी दैट इज इक्वल टू 0.2। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द बैरिंग, बैरिंग डायमेंशन मीन्स दैट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बैरिंग एंड डायमीटर ऑफ द बैरिंग एंड द मिनिमम फिल्म थिकनेस मीन्स एच नॉट हमें फाइंड आउट करना है एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑयल फ्लो, ऑयल फ्लो मतलब मास फ्लो रेट ऑफ द ऑयल दैट इज एम डॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करने के लिए हम गिवन डाटा लिखेंगे, ये सारा गिवन डाटा है। उसके बाद जो हमें डिटरमाइन करना है वो लिखेंगे, ये हमारा डिटरमाइन करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप हमें जो डिटरमाइन करना है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है पी मैक्सिमम को हम पी ऑपरेटिंग के बराबर लेके चलेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई मशीनरी नहीं दी हुई है और हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो पी मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर के बराबर हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रेशर की वैल्यू कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल डी, डब्ल्यू दैट इज द लोड जो कि हमें दिया हुआ है, एल एल और एल वाई डी, और यहां पर एल वाई डी का रेशो हमें 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करें, पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल डी एंड एल वाई डी इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें लेंथ पता लग जाएगा, डायमीटर पता लग जाएगा एमएम। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, लेंथ टू फाइंड आउट द लेंथ एंड डी ऑफ द बैरिंग। सेकेंड स्टेप है टू फाइंड आउट द एच नॉट, एच नॉट इज द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हमें डाटा बुक में इस ग्राफ पर जाना पड़ेगा, ये ग्राफ हमें डाटा बुक के पेज नंबर 355 पर मिलेगा। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो फुल जनरल बैरिंग बीटा के लिए ये वाली लाइन है, और इसके लिए न्यूमेरिकल में हमें एच नॉट बाई सी ऑलरेडी दिया हुआ है। सी यहां पर रेडियल क्लियरेंस है और यहां पर भी मेंशन नहीं है, तो यहां पर सी जो क्लियरेंस है मेंशन नहीं किया है, तो इसको रेडियल क्लियरेंस ही हम मानेंगे। तो एच नॉट बाई सी 0.2 दिया हुआ है, 0.2 मीन्स ये एच नॉट बाई सी। अब ये 0.2 और बीटा 360 को जहां कट करेगी 0.2 की लाइन, वहां से हमें समर फेल्ड नंबर की वैल्यू पता लग जाएगी, समर फेल्ड नंबर यहां पर पता लग जाएगा। तो बेसिकली इस वाली इक्वेशन के अंदर हमें समर फेल्ड नंबर पता है, आर इज द रेडियस जो कि हमें पता है ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जेड इज द विस्कोसिटी जो कि 0.02 होगी, म्यू भाई जेड हमारा, एन यहां पर ध्यान रखेंगे एन कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन एज इट इज रख जाएंगे 960 आरपीएम, एंड डिवाइड बाई पी, पी ऑपरेटिंग और पी मैक्सिमम यहां पर सेम है तो वो वैल्यू पुट करेंगे 10^-6। तो यहां से हमें समर फेल्ड नंबर, इस यहां पर हमें अननोन क्या है, ओनली सी, समर फेल्ड नंबर यहां से पता लग गया 0.2 से, आर पता है हमें, जेड पता है, एन पता है, पी पता है, ये सारी वैल्यू पता है, ओनली अननोन क्या है सी, दैट इज द क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस। तो यहां से हमें क्या निकालेंगे, बेसिकली इस ग्राफ की हेल्प से हमें सी की वैल्यू मिलेगी, क्लियरेंस की वैल्यू। अब ये जो क्लियरेंस हो को अगर मैं एच नॉट बाई सी के बराबर रख दूंगा, सी यहां पर पुट कर दूंगा, तो यहां से मुझे एच नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां इस तरीके से हम मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस निकालेंगे। बेसिकली करना क्या है, एच नॉट बाई सी 0.2 है, 0.2 को हम 360 से वाली लाइन पर देखेंगे, यहां से समर फेल्ड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, समर फेल्ड नंबर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहां से सी निकालेंगे क्लियरेंस, क्लियरेंस की वैल्यू दोबारा से हम एच नॉट बाई सी में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें एच नॉट मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस पता लग जाएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है ऑयल फ्लो, ऑयल फ्लो निकालने के लिए हमें हीट जनरेशन निकालना पड़ेगा, हीट डिसिपेशन निकालना पड़ेगा, उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको हमें एमएस डेल्टा टी के बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एम है वो हमारा ऑयल फ्लो रेट है, क्यूजी हीट जनरेशन है जो कि एफ डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ऑलरेडी गिवेन है, बी हमारा पाई डी एन बाई 60,000 क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में निकालना, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि डाटा बुक के 353 पेज नंबर में आएगा। यहां पर ध्यान रखें के हमारा दिया हुआ है फुल जनरल बैरिंग के लिए, ये जेड हमारा यही वैल्यू पुट करेंगे, एन यहां पर ध्यान रखेंगे स्मॉल एन है तो इसका मतलब डिवाइड बाई 60 करके पुट करना है, पी हमारा प्रेशर है, आर बाई सी, आर हमें पता है रेडियस पता है, सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां से तो आर बाई सी पता लग जाएगा,
10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस डेल्टा एफ की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो एफ आ जाएगा। तो यहां से क्यू जी पता लग जाएगा। क्यू डी निकालने के लिए एच डी ए टी नॉट माइनस टी ए डिवाइड बाई टू। अब एच डी निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हम एच डी कैसे निकाल सकते हैं लास्ट न्यूमेरिकल में। एच डी कैसे निकालेंगे, एच डी के लिए मैंने फिक्स बताया था कि एच डी जो है कुछ वैल्यू कितनी होगी वो वहां पर फिक्स थी एच डी की वैल्यू लास्ट न्यूमेरिकल में। तो यहां से हमें एच डी पता लग जाएगा। इसके बाद हमें ए एरिया है जो कि 20 × 10⁻⁶ कर देगा। एरिया इज द एल इंटू डी 10⁻⁶। एल पता है, डी पता है, 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टी नॉट और टी ए की वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि 60। टी नॉट की वैल्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ऑपरेटिंग वैल्यू है, अगर नहीं दी होगी न्यूमेरिकल में एज्यूम करेंगे। टी ए हमारा एटमोसफियर का टेम्परेचर है जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम मोस्टली एज्यूम करते हैं। एस स्पेसिफिक हीट है जो कि 1900 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट सेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एस कैसे लेंगे और एच डी कैसे लेंगे। डेल्टा टी अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे डिफरेंस बिटवीन द ऑयल, ऑयल इनपुट ऑयल एंड आउटपुट ऑयल। तो यहां से डेल्टा टी, ये सारी वैल्यू यहां पर डिजाइन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर हमें एज्यूम करने पड़ेंगे, कई बार मैं बता चुका हूं। तो यहां पर इस तरीके से वैल्यू को एज्यूम करेंगे और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मेरे को सेंड करेंगे न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेके। ओके, थैंक यू।